जी है चंद सांसे या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अल्लाह अकबर। एक दिन था कि मेहमानों को खाना खिला रहे थे, एक दिन वो आया कि इन्हीं शहजादों पर करबला में पानी बंद कर दिया गया। बस जरा तवज्जो से सुनना, मैंने सफर करबला का शुरू कर दिया है, खुदा करे आपकी नस्लें आबाद हों। और साहिब जो आंखें गमे हुसैन में वजू या गुसल कर लेती हैं, खुदा की कसम फिर वो आंसुओं के कदरे कयामत में बख्शिश की जमानत बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा दिल से मेरे हुसैन की कहानी सुनो। तीन दिन हो गए पानी बंद हुआ। 9 तारीख की शाम को अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन सर देना है कि हाथ देना है? मेरे हुसैन ने फरमाया, यह हाथ तो मेरे मुस्तफा की अमानत है, मैं ये हाथ तो नहीं दे सकता। का फिर सर देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया, हमें आज की रात की मोहलत दी जाए, क्या करोगे? कहा कि जो तुम्हें करना है कल सुबह कर लेना, हमें आज की रात मोहलत दी जाए। इतनी बात कही, रात भर की मोहलत मिली। मेरे हुसैन ने सारे गुलामों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे चाहने वालों, मेरे घर वालों, अमर इब्ने साद और यजीद का पूरा लश्कर मेरे खून का प्यासा है। ऐसा करो, तुम में से जो वापस जाना चाहता है चला जाए। तुम में किसी ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने जवान बेटियां छोड़ी हैं, किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाओ जा करके अपने घर वालों का ख्याल रखो। हुसैन वादा करता है, अगर वापस चले जाओगे मैं नाराज नहीं होऊंगा, कयामत के दिन मुस्तफा से कह के तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाऊंगा। चीखे निकल गई गुलामों की, कहने लगे, हुसैन हमारी औलाद हमारी जान इतनी कीमती तो नहीं कि हम तुम्हें छोड़ के अपने घर चले जाएं और मुस्तफा के शहजादे पर तीन दिन से पानी बंद हो? अल्लाह अकबर, किसी ने जाने का नाम ना लिया। फरमाया, फिर ठीक है, जाओ आज की रात अपने रब को मना लो, हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारे रब से आखिरी मुलाकात हो। आज की हमारी जिंदगी की भी आखिरी रात हो, बंदगी की भी आखिरी रात हो। फरमाया मेरे हुसैन ने, सारे लोग अपने अपने खेमों में चले गए। जिस खेमे में जाते थे कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अल्लाह अकबर। उसी आलम में रात का आधा पहर गुजरा। मेरे हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना उठी, फूफी जैनब के पास गई, कहने लगी, फूफी हर खेमे से कुरान की आवाज आ रही है, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात कही ना, जरा बेटी वाले इस बात को दिल से सुने, और जिन पर औलाद नहीं, अल्लाह हुसैन के जिक्र की महफिल के सदके में उन्हें साहिब औलाद बना दे। कामी फूफी सब कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात सैयदा सकीना ने कही, कहने लगी, बेटी जाओ तुम कुरान जाके अपने बाबा से पढ़ो। हजरत सकीना आई, मेरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कहा बाबा हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, बेटी कुरान के लिए वुजू जरूरी है। अल्लाह अकबर, जब वुजू की बारी आई, कहती बाबा यहाँ तो 3 दिन से पानी पीने को नहीं मिला है, वुजू कैसे किया जाएगा? फरमाती, बेटी हमारे इस्लाम में रुख्सत है, अगर पानी ना मिले तयम्मुम कर लो। तयम्मुम बेटी को कराया हुसैन ने, उसके बाद कुरान लेकर के बैठे हैं। बच्ची ने कुरान खोला है, मेरे हुसैन ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है। जब सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है, अभी 2-3 आयतें पढ़ी थी, आंसू बरसने लगे हुसैन के। शहजादी ने कहा था, बाबा बताइए तो सही, दुनिया अपनी बेटी को कुरान पढ़ाती है खुश होती है, आज आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? कहते, बेटी ख्याल ने रुला दिया, मैं अपने सकीना को कुरान का आगाज तो करा रहा हूँ, लेकिन रब जाने बेटी कुरान का इख्तिताम कौन कराएगा। अल्लाह अकबर, बेटी से इतना कहा
कहा मेरे हुसैन ने फिर कहा बेटी अब तुम इतने कुरान की तिलावत करो। हुसैन ने सजदे में सर रखा, अहले बैत अथार कुरान पढ़ रहे हैं, गुलामान हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, सारे लोग कुरान की तिलावत में मसरूफ हैं। रात का आधा पहर गुजरा, तीसरा पहर गुजरा, फज्र का वक्त आया, मेरे हुसैन ने कहा अकबर जी बाबा का बेटे जाओ जरा करबला के मैदान में फज्र की अजान पढ़ो, जब अजान पढ़ के वापस आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर के आना, मैदान का क्या हाल है। ये कह के आपने अकबर को भेजा। हजरत अली अकबर के मैदान का जायजा लिया, जायजा लेते लेते आपने देखा कोई खातून हिचकी भर के रो रही है, अल्लाह अकबर सर से लेके पैरों तक पर दाग है और अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही है। साहिब माँ माँ हुआ करती है, माँ के औलाद से रिश्ते बड़े अजीब हुआ करते हैं। अगर बेटा सात समंदर पार परदेश में होता है, बेटा बीमार हो जाए तो माँ को हिंदुस्तान में पता चल जाता है। अगर माँ बेटे के बीच कितनी भी दूरियां हो, बेटे पे मुसीबतें आए तो माँ की नींद उड़ जाया करती है। माए सुबह को उठ के कहती फोन तो लगाओ, मुझे लगता है मेरा बेटा बीमार है, पता तो करो मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है। कितना अजीब रिश्ता होता है बाप और बेटी के, बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान। और साहिब ये तेरी मेरी माँ का रिश्ता है, फिर हुसैन की माँ का रिश्ता हुसैन से कैसा रहा होगा, कभी दिल से भी तो सोचा करो। आप अपने दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही हैं। हजरत अली अकबर ने खातून के रोने की आवाज सुनी, जैसी आवाज सुनी करीब गए, जाके कहते खातून बता दो सही कहाँ की रहने वाली हो और इस मैदान करबला में तुम्हारा क्या काम है। कोई जवाब खातून ने न दिया। आप वापस आए, आका हुसैन ने कहा अकबर का जी बाबा क्या तुमने करबला के मैदान को देख लिया। हाँ बाबा। का क्या देखा है। का बाबा सब कुछ देखा लेकिन एक अजीब मामला सामने आया है। का कौन सा मामला। का बाबा जी बात यह है, मैंने खातून को जमीन करबला पर अपने दुपट्टे से सफाई करते हुए देखा है। वो खातून सफाई भी कर रही थी, आंसू भी बहा रही थी। मेरे हुसैन ने कहा था जब से इतना सुना अल्लाह अकबर। आका हुसैन फरमाते जानते हो वो खातून कौन है। का बाबा मैं जानता नहीं हूँ। आका हुसैन की चीख निकली, रो के फरमाया अकबर जिस खातून को तुम अजनबी खातून कह रहे हो वो कोई अजनबी खातून नहीं थी बल्कि मेरी माँ फातिमतुज़्ज़हरा थी। जब मदीने से चल के करबला के मैदान में आई है, बाबा फातिमतुज़्ज़हरा का करबला के मैदान में काम क्या था। मेरे हुसैन फरमाते हैं अकबर मेरी माँ करबला के मैदान में इसलिए आई है कि जब हुसैन सवारी से नीचे आएंगे 72 जख्म तीरों के होंगे, 56 जख्म तलवारों के होंगे, मेरे शहजादे का जिस्म जख्मों से चूर चूर होगा। जब जमीन पे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के जिस्म में कोई कंकर चुभ जाए। मुझे ये घबरा नहीं है, इसलिए सैयदा ने आकर के पहले करबला के मैदान को साफ किया है। और साहिब ये माँ हुआ करती है, अगर बेटे को दर्द होता है तो माएँ तड़प जाया करती है, अगर माँ को दर्द हो तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं। बदल दो उसूल अपने और दुनिया को बता दो और दुनिया वालों हमने जिक्रे हुसैन सुना है, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। अगर दर्द माँ को होगा तो बेटा बिस्तर पे नहीं लेटेगा, आवाज माँ की बाद में आएगी, बेटा उठ के माँ की खिदमत में पहले चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, सरजमीन खबरिया शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुसैन का दामन। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आवाज दी हुसैन तैयार हो जाओ सर कटाने के लिए। जब आवाज आई सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर उठे। 72 साल उम्र थी इनकी। 72 साल के बूढ़े का हाल क्या होता है, डंडे के सहारे चलता है, काफी कमजोर हो जाता है। मगर जब आवाज आई ना हुसैन आओ, या तो सर दो या हाथ दो। हबीब इब्ने मुजाहिर आगे बढ़े, लाठी फेंक दी, फेंक के कहने लगे आका हुसैन पहले मैं जाऊंगा। 72 साल के बूढ़े ने घोड़े पे सवार होके यजीदियों के बीच में जाकर के जब ललकारा ना तो 72 साल के बूढ़े ने भी 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 21 यजीदियों को आखिर में तीरों की बारिश हुई, सवारी से नीचे आए। और साहिब करबला में क्या ना हुआ, करबला में क्या ना हुआ। हजरत मुस्लिम बिन औसजा अपनी बीवी बच्चे के साथ थे, जब मैदान करबला जाने लगे माँ से इजाजत लेके आए, माँ मैं हुसैन के नाम पे कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे
मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, अगर जीना है तो हुसैन के लिए जीना है, मरना है तो हुसैन के लिए मरना है। हाँ, माँ ने कहा ठीक है। जब चलने लगे बीवी आ गई, मेरे सरताज किधर, का इजाजत दो मैं भी जा रहा हूँ हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने। कहने लगी ऐसे नहीं भेजूंगी। अल्लाह अकबर, फिर कैसे भेजोगी? कहने लगी हुसैन के पास चलो। हाथ पकड़ के लाई हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी अपने शोहर का, आका हुसैन के पास। कहने लगी हुसैन ये मैदान करबला जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। कहा फिर? कहने लगे मेरा एक वादा करे मुझसे। ये कौन सा वादा? का इनसे कहिए कि ये जन्नत में मेरे बगैर दाखिल ना हो। ये वादा हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी ने लिया। इनसे कहिए जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक ये मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाएं। इतनी बात कही, आका हुसैन कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। अल्लाह अकबर, कोई छोटी बात ना थी। कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। हजरत मुस्लिम बिन औसजा गए। जाने के बाद यजीदियों के मुकाबला किया, यजीदियों ने सर कलम किया और सर उछाल के हुसैन के खेमे की तरफ फेंका, और फेंकने के बाद कहा हुसैन लो ये भी तुम्हारा जानिसार अपने अंजाम को पहुंचा है। जैसे सर सरे हुसैन के खेमे के पास आया, अल्लाह अकबर, हुसैन खेमे से बाद में निकले हैं, बीवी पहले आई है। आने के बाद अपने शोहर का सर गोद में रखा है, माथा चूम के कहती मेरे सरताज मुझे भूल ना जाना, मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाना। अल्लाह अकबर, अभी हुसैन भी खड़े हैं, मुस्लिम बिन औसजा के सर के पास बीवी भी बैठी हुई है। अब जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा खेमे से तेजी से निकला है, नन्ही तलवार हाथ में है, तेजी से खेमे से निकला, यजीदी लश्कर की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन की निगाह पड़ जाती है, फरमाते लोगों ये बच्चा किसका है, जरा इसको तो रोको, किधर जा रहा है? जब दौड़े हैं हुसैन के गुलाम, बच्चे को पकड़ के लाए, कहने लगे बेटे किसका बेटा है और किधर जा रहा है? बच्चे ने कहा था हुसैन के कदमों पे जान देने जा रहा हूँ। जब इतनी बात बच्चे ने कही थी, मेरे हुसैन ने कहा था बेटे बता तो सही आखिर तू लाल किसका है, किसका शहजादा है, किसने तुझे ये सबक पढ़ाया है? बच्चे ने बाप के सर की तरफ देख के कहा था हजरत जिस बाप का सर इस खातून की गोद में रखा है, मैं इसी मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूँ, मैं हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था बेटे तुझे ये सबक किसने पढ़ाया? तो बच्चे ने कहा था हुसैन मेरे बाप ने जाते जाते कहा था बेटे कुर्बान हो जाना, लेकिन हुसैन की अजमत पे आज नहीं आने देना। ये करबला के मैदान के बच्चे थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जरा आगे बढ़िए, यके बाद दीगरे गुलाम शहीद होते रहे। फिर बारी आई हुसैन के अपने घर आने की। तवज्जो है जी, थके तो नहीं है अभी? जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। बारी आई फिर अपने घर आने की। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन हैं खेमे में बैठे हैं। अब बैठने का अंदाज देखो, सर पे अमामा इमाम हसन का है, हाथ में तलवार मौला मौला अली की है, कंधे पे चादर मुस्तफा की है। यूं तलवार से टेक लगा के बैठे। आवाज आई हुसैन अब किसको भेजोगे? मेरे हुसैन ने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि पीछे से 18 साल का अकबर आया, बाबा के कांधे पे हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हैं? कहा बेटे अब मैं जंग की करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हजरत अली अकबर कहने लगे बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे हों वो बाप जंग के मैदान में नहीं जाया करते, पहले मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया जाओ अकबर तैयारी करो। इख्तसार के अंदाज में मैं चाहता हूं आज कुछ शहादतें बयान कर लूं। समाते अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, बस तवज्जो करें। फरमाया अकबर तैयारी करो। हजरत अली अकबर खेमे में आए, माँ मुझे दूल्हा बना। माँ ने जब लफ्ज दूल्हा सुना आंखें बरसने लगी। जब इतनी बात कही कहने लगे माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो करबला के मैदान का दूल्हा बनना है।
माँ ने संदूक खोला, नए कपड़े निकाले। माँ तो माँ होती है ना, अजीब रिश्ता माँ का होता है। कभी तुमने मार्केट में देखा होगा, माँ अपने बच्चों को लेके जाती है साथ में, फिर लगा के कहती है मेरे बेटे के बदन पे ये कपड़ा कैसा लग रहा है। कहती है नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा उठा के कहती है ये कैसा लगा, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। दस दस जोड़ी हटा देती है कि ये भी अच्छा नहीं है। और फिर वो माँ तो अली अकबर की माँ थी। मेरा हुसैन गरीब नहीं था। जब करबला काफला गया था ना तो 26 ऊंटों पे तो घर का सामान रखा हुआ था। गरीब नहीं थे, इनकी चौखट से कई अमीरों के चूल्हे चलते थे। ये इतनी शान वाले थे। माँ ने कहा बेटे ये कपड़ा कैसा लगेगा। कहते माँ अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दे। बेटे सफेद क्यों। कहती मैंने अपने बाबा मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हुसैन से सुना है कि मेरे नाना को सफेद कपड़े पसंद थे। माँ सफेद कपड़े निकाल ताकि तेरे बेटे के कफन की जरूरत भी पूरी हो जाए और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। माँ ने सफेद जोड़ा निकाला, अली अकबर ने सफेद जोड़ा पहना, सर पे अमामा बांधा, अल्लाहु अकबर हाथ में तलवार ली। जब तैयार हो गए तो माँ माँ हुआ करती है, आवाज देती है माँ ओ खानदान नबुव्वत की शहजादियों आओ मेरे अकबर को देखो, इसकी तैयारी में कोई कमी तो ना रह गई है, जरा देखो तो सही मेरा अकबर कितना प्यारा लग रहा है। इतनी बात माँ ने कही थी, खातून सुनो जवानों, इतनी आवाज सुन के कोई खातून अकेली नहीं आई थी। सबसे पहले जो खातून आई है वो खातून कोई और न थी बल्कि हजरत अली की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब आई है। और अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने साथ में अपने शहजादों की जोड़ी लेकर के आई हैं। आने के बाद कहती हैं कि ये अकबर की तैयारी कहाँ की है। कहा कि ये मैदान जंग के लिए तैयारी है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। आके कहती हैं पहले तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा बल्कि पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, पहले मेरे शहजादे जाएंगे। उसके बाद अब ये बात चल ही रही है। इतने में हजरत अली के घर की बड़ी बहू हजरत हसन की ज़ौजा हजरत कासिम की अम्मी आई हैं और वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई हैं। अल्लाह अकबर कहती सुनो ना तुम्हारा अकबर जाएगा ना तुम्हारे ओनो मोहम्मद जाएंगे, अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अल्लाह अकबर अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में हजरत शहरबानो आई हैं, वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपनी गोद में 6 माह का असगर लेकर के आई हैं। आके कहती हैं 6 माह का असगर लाई हैं। कहती अकबर की अम्मी न तुम्हारा अकबर जाएगा, ज़ैनब न तुम्हारे शहजादे जाएंगे, अल्लाह अकबर न कासिम जाएंगे बल्कि पहले मेरा असगर जाएगा। इसकी 3 दिन की प्यास है, अब प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए पहले मेरे असगर को जाने की इजाजत दे दो। इसी बीच आका हुसैन आ जाते हैं। कहते क्या बात चल रही है अकबर, देर क्यों कर दी है अकबर, देर क्यों की है। इतना कहना था। हजरत अकबर कहते हैं बाबा मैं तो जाने की तैयारी में था। ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, ये कहती हैं पहले मेरा बेटा जाएगा, आप फैसला करें कि कौन जाएगा। मेरे हुसैन कहते हैं पहले मेरा अकबर जाएगा। अल्लाह अकबर जब अकबर के जाने की बारी आई है हजरत सकीना आगे बढ़ी है, हाथ पकड़ा गया अली अकबर का। कहती अकबर जरा चल के दिखा दो। का किस लिए बहन। का जब तुम मदीने से चले थे तुम्हारी बहन सुगरा मदीने में थी तब उसने चलते वक्त तुमसे कहा था अकबर जरा चल के दिखा दो, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, तुम्हारी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, तुम्हारा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, तुम्हारा अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है। अकबर खुदा जाने अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, अकबर जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चल के दिखाया है। उसके बाद हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले। का किस लिए, कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। हजरत अली अकबर ने शिमले का ठाटा लगा
लगाया है और उसके बाद जब घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ निकले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। आशा की बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए, अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं कि उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती हैं। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं, ओ यार ईदें हुआ करती हैं दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती हैं। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था, ओ यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती हैं और रो के कहती भाई सिर्फ तू तन्हा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरजुएं तेरे साथ जा रही है। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है, ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरजुएं बहनों भाइयों के साथ होती है। अल्लाह अकबर, मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साहिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं, याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था, तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा, तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे, तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर तारीख गवाह है, आज अकबर को रह रहे वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ पड़े हैं, चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बड़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा, जैसे कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो, यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना, का देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अमर इब्ने साद चूंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को, कहता लोगो ये मुस्तफा नहीं है बल्कि ये शबीहे मुस्तफा है, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर, लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया का जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको यूं दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े, लेकिन खुदा की कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना, यजीद आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने, हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने सारे बोलो कितने, 41। जुर्रत ना थी कोई अली के शहजादे का हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी हिम्मत जवाब दे गई, एक यजीदी कहने लगा अमर इब्ने साद इसको सामने से नहीं मारा जा सकता, का फिर का इसे धोखे से मारा जा सकता है, का कैसे, का रास्ता मैं बता देता हूं काम तू कर देना, अब जरा तवज्जो करना। का कौन सा रास्ता, कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया है, इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान ची का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेजे से इस पे हमला करे और निशाना चूक ना जाए। अमर इब्ने साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ, निशानेबाजी में सिनान मशहूर था, नेजा लेके खड़ा हुआ एक यजीद आगे बढ़ा, यजीदी आगे बढ़ा, कहने लगा अकबर मदीना किधर है,
जैसी लफ्ज मदीना सुनाना मेरे अली अकबर की आंखें बरसी रुक गया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस में तेरे पास ना आ सका, अभी इतनी बात कही थी तलवार थमी है, सिनान ने नेजा संभाला, निशाना लगा कर जो नेजा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है, जिगर के पार हुआ नेजा, अल्लाह अकबर, जैसे जिगर के पार नेजा हुआ है अली अकबर जीन से जमीन पे आने लगे, ऐसे जीन से जमीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो, जैसे एक पैर निकला है, आप जमीन पे आए हैं, घोड़ा आपकी सवारी, उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे, रफ्तार में था घोड़ा, अल्लाह अकबर, घोड़ा आगे बढ़ा, देखा सवार गिर गया है, वापस पलटा आया, अपने पैर जमीन पे बिछाए और अपना मुंह अली अकबर के कान पे रख के कहने लगा, अकबर परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको मुस्तफा के मदीने पहुंचा देता हूँ। इतनी बात सवारी ने कही, आप कहते नहीं, अगर मैं मदीने जाऊंगा मेरी सुगरा पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगा? फिर घोड़े ने कहा, हुसैन अकबर अगर कहो तो खेमे तक पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं, मैं शहादत के बगैर बाप के कदमों तक कैसे जा सकता हूँ? अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जा अपना रास्ता ना, घोड़े को हटाया, जमीन पे आए, आवाज देते हैं, अदरिकिया बता, बाबा अपने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन ने कमर को पकड़ा है, पकड़ने के बाद मैदान करबला में आए हैं, आने के बाद आपने आवाज दी अकबर कहाँ हो, जैसे कितनी आवाज दी अकबर कहाँ हो? कहते हैं बाबा, जहाँ मैंने फातिमा तुज़हरा को अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा तब मैं वहीं पे हूँ, जहाँ मैंने खड़े होकर अजान पड़ी थी मैं वहीं पे हूँ। आका हुसैन गए, बेटे का सर गोद में रखा है, रखने के बाद बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बाप ने बेटे का चेहरा देखा, अल्लाह अकबर। जरा गौर करना प्यारे, अगर बूढ़े बाप का लाशा हो तो जब जवान बेटों की कमर टूट जाती है, लेकिन अगर जवान बेटे का लाशा बाप उठाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है उस लाश को उठाना। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर बाप की गोद में सर रखे हुए हैं, आका हुसैन चेहरा देख रहे हैं। अली अकबर कहते हैं, बाबा ये जो नेजा लगा है बड़ा दर्द कर रहा है, इस नेजे को निकाल लीजिए, इस नेजे को निकाल लीजिए। हुसैन कहते हैं, बेटे ये नेजा तुम्हारे जिगर के पार है, अगर इसको निकाला तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी बेटे, तुम्हारी जबान से आह निकल सकती है, अगर जबान से आह निकल गई तो बेटे मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर, इतनी मेरे हुसैन ने शहजादे से बात कही है। शहजादे कहते हैं, बाबा परेशान ना हो, एक कुर्बानी मीना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है, मीना में भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ पे भी सब्र का इम्तिहान था, कल हमारे दादा के शहजादे ने चुनी गर्दन पे चलवा करके सब्र का इम्तिहान दिया था, आज अकबर जिगर कटवा के अपने सब्र का इम्तिहान देगा। बाबा फिक्र ना कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरे हुसैन कहते, अकबर वादा कर, जबान पे आह तो नहीं आएगी? का बाबा कोई आह ना निकलेगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के सीने पे है, दूसरे हाथ से नेजा पकड़ा है। कहते अकबर, अब दांतों तले जबान दबा लो, कहीं आह ना निकल जाए, मुट्ठी को मजबूत बांध लो, कहीं आह ना निकल जाए। अजीब मंजर था साहिब करबला का, जैसी अली अकबर का पर्ची को पकड़ा गए हुसैन ने, जमीन कांपने लग जाती है। मेरे हुसैन चाहते थे नेजे को निकालें, इतने में जमीन की चीख निकली, हुसैन ये ना कर, तुम हुसैन हो मैं जमीन हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा कलेजा फट जाएगा, हुसैन मैं ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। मेरे हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, फरमाते खबरदार, जब बेटा कलेजा कटवाने के लिए राजी है, मैं पर्ची निकालने पे राजी हूँ, तो तू कौन होती है कांपने वाली? जमीन थम जाती है। हुसैन ने नेजे को पकड़ा, का अकबर सब्र का दामन न छोड़ना, आओ प्यारे बताऊं करबला क्या है, अली अकबर कौन है, हुसैन कौन है? जैसी आपने नेजे को पकड़ा है, अकबर के हाथ सीने पे हाथ रखा, अकबर आह ना निकल जाए, जबान से उफ ना निकले, अली अकबर ने अपने दांतों तले जबान दबाई है, मुट्ठी बंद की है, वहां पे नशे का इंजेक्शन न था, बेहोशी की दवा न थी, वहां सब्र का इम्तिहान था, जुर्रत का इम्तिहान था, हिम्मत का इम्तिहान था। अली अकबर का आपने नेजा पकड़ा और झटका दे करके जब नेजा निकाला था साहिब, सिर्फ नेजा नहीं निकला था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल के आ गए थे।
मेरे हुसैन ने कलेजे के टुकड़े देखे, कहते या अल्लाह जिसमें तू राजी है तेरा हुसैन राजी है। उसके बाद मुड़कर अकबर का चेहरा देखा, होना क्या चाहिए था, अकबर की आंख में आंसू होते, जबान पे आ होती, लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब पर्ची निकाली गई हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर निकाला नेजा, उसके बाद कहते हैं बाबा मालूम है आप मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहने लगे बाबा ये दुख ना उठाना, मैं जवान हूं, मेरा बोझ आप उठा के लेके जाएंगे, सफर मुश्किल होगा। सुबह से लाशें उठाते उठाते ये वक्त आ गया, आप थक चुके हैं बाबा, ये वजन ना उठाएं, मुझे छोड़ दे। अली अकबर ने इतनी बात कही, खुदा की कसम आओ बताऊं हुसैन कौन है, इतनी बात कही ना। आका हुसैन कहते हैं बेटे जो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, आज कुरान सुनाने का दिन आ गया है। बाबा करना क्या है? कहते हैं बेटे सफर में मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, कुरान पढ़ोगे तुम, सुनेगा हुसैन, जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है, पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम, हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है लेकिन जबान पे आग नहीं है, कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं, हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज़ धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियाँ ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है, पूछो इन उलमाए किराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो, चांकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है, फरमाया गया अगर ऐसे भी ना पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे, मगर वाह रे अकबर तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा अपनी तरफ करके कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी न मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूं, तीन दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है, अभी चंद आयतें पड़ी थी मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है, हुसैन समझ जाते हैं कि बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसे लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है, कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई है, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी है, बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा-तुस-सहरा की कनीज हो, तुम्हें कर्बला में रह करके किरदारे फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत के बाद दोनों मोहम्मद आए, ओ यार तुम्हारी नस्लें आबाद हों, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीफ सुनाया करो, अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाया करो। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आईं, ओनो मोहम्मद लेकर के
और बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी अगर तफसील से सबका तज़किरा करूं। आज मेरी मंजिल कुछ और है, अगर आप साथ दें तो मैं आपको और आगे तक लेके जाना चाहता हूं। अभी आप साथ हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। मौला करीम आज की रात के सदके सबको करबला के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अल्लाह हू अकबर। ओनो मोहम्मद आए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। उसके बाद फिर बारी आई हजरत कासिम की। तवज्जो से सुनना, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है बल्कि करबला में इमाम हसन की भी कमाई लगी। चार बेटे इमाम हसन के भी कुर्बान हुए हैं करबला में। समझ रहे मेरी बात? कितने बेटे? सारे बोलो कितने? चार बेटे इमाम हसन के कुर्बान हुए। कौन कौन? हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। आपके दो बेटों का नाम अबू बकर उमर था। आज बंदा कह देता है ना गेंद में ऐसे हक मारे थे और आपस में ये दुश्मनी थी, आपस में बुग्ज था। और यार अगर मैं आपके नाम पे अपने बेटे का नाम रखूं तो यकीनन आपसे मोहब्बत होगी तभी तो रखूंगा। आज लोग मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं तो इसका मतलब मोहब्बत की वजह से तो रख रहे हैं ना, या अदावत की वजह से रख सकता है कोई? मोहब्बत की वजह से। हजरत हसन ने अपने बेटों का नाम अबू बकर उमर रखा, इसका मतलब ये कि वो अबू बकर से भी प्यार करते थे, नबी के उमर से भी प्यार करते थे। चार बेटे आपके शहीद हुए, सिर्फ एक बेटों की बेटे की कहानी सुनो। दुनिया जानती है हजरत कासिम को। जानते हो ये कौन है कासिम? ये एक बेवा माँ के शहजादे हैं कासिम। हजरत हसन शहीद के शहजादे हैं कासिम। ये जब पैदा हुए ना, हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, आके कहने लगी मेरा कासिम पैदा हुआ है लेकिन इसने दूध नहीं पिया। इमाम हसन कहने लगे आज तारीख कितनी है? उम्मे फरबा कहने लगी आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इतना सुना इमाम हसन रो दिए। हजरत उम्मे फरबा कहती मेरे सरताज बेटा पैदा हुआ है। रोए क्यों? आपने फरमाया उम्मे फरबा तुम इब्तिदा देख रही हो, हसन इंतहा देख रहा है। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह, हसन इंतहा देख रहा है। बात क्या है? का 10 मुहर्रम होगी, मैदान करबला होगा। ये करबला की 10 तारीख को मैदान करबला में शहीद होगा। अल्लाह अकबर। ये हसन हैं, ये इनके शहजादे हैं कासिम। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद जब आप शहीद हुए, हजरत हसन ने हजरत कासिम का हाथ आका हुसैन के हाथ में दे के कहा था हुसैन आज से मेरे कासिम के वारिस तुम हो, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही थी इमाम हसन ने। पूरी जिंदगी बाप का प्यार दिया इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को। लेकिन जब चलने लगे ना, आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया, हजरत कासिम की बात करने लगा। हजरत कासिम ने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मैं मदीने से जा रहा हूं, मेरा थोड़ा सा काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? का रोज आना, मैं छत पे चढ़ के परिंदों को दाने खिलाता हूं। मेरे जाने के बाद परिंदों को दाने जरूर खिलाया करना। ये छत पे रोज आएंगे, इन्हें पानी जरूर पिला देना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं हजरत कासिम के जाने के बाद मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाकर के दाने डाले, पानी रखा। कहते सैकड़ों परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, फरमाते तीन दिन हो गए, किसी परिंदे ने कुछ नहीं खाया। फरमाते अल्लाह हू अकबर, मैंने परिंदों की तरफ देखा, देख के कहा खाते क्यों नहीं हो? क्या इसलिए नहीं खा रहे हो? क्या उनके खिलाने का तरीका और था, मेरे खिलाने का तरीका और है? आज तीन दिन हो गए हैं, तुम आकर के बैठ तो जाते हो, पानी तक नहीं पीते हो, दाना क्यों नहीं खाते हो? माना कि कासिम नहीं है लेकिन दाना तो वही है जो वो खिलाते थे, पानी भी वही है जो वो पिलाते थे। अल्लाह हू अकबर। इतनी बात
बात मोहम्मद बिन हनफिया ने कही है। एक परिंदे को रब ने कुव्वत गोयाई बख्शी, वो रो के कहता है मोहम्मद बिन हनफिया, हम यहाँ भूख मिटाने नहीं आते थे, हम यहाँ प्यास बुझाने नहीं आते थे, हमें दुनिया ने समझा ना कि तुमने हमें जाना ना कि हम यहाँ आते थे हसन की विलाद, हसन के वारिस का चेहरा देखने आते थे, दाना पानी तो बहाना होता था, चेहरा उनका होता था, याद आका हसन किया जाया करता। जब से वो गए हैं ना हमें दाना अच्छा लगता है, ना हमें पानी अच्छा लगता है। ओ यार, इनसे तो जानवरों ने भी ऐसा प्यार किया, परिंदे भी इतना प्यार करते जिनके जुदाई में परिंदों ने दाना छोड़ दिया हो। ओ साहिब, इन्होंने जब मदीना छोड़ा होगा तो फिर मदीने वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही हजरत कासिम हैं। अम्मी ने हाथ पकड़ा उम्मे फरवा ने, इमाम हुसैन के खेमे में लाई। हुसैन अल्लाहु अकबर, जैसी आवाज आई आका हुसैन ने गर्दन झुका ली, इसलिए कि बड़ी भाभी आई है। ये तहजीब उनके घराने की है, गर्दन झुका दी। जी उम्मे फरवा, कहा मेरे कासिम को भी करबला जाने की इजाजत दे दे। रो के कहने लगे, मैं अपने कासिम को 3 दिन से पानी का एक घूंट ना पिला पाया, मैं शर्मिंदा हूं, और ऊपर से तुम बात करती हो मैं इसे करबला के मैदान भेज दूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हसन की अमानत है, यादगार है मेरे भाई की। अल्लाहु अकबर, का मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। आह निकली हजरत उम्मे फरवा की, कहने लगी काश आज मेरे सरताज होते तो मुझे यूं ना टाला जाता। हाथ पकड़ा बेटे का, खेमे में आए। और साहिब, जब कभी कोई जिंदगी में उलझन आती है ना तो अपने बड़े याद आते हैं, अपने जाने वालों की याद सताती है। खेमे में आके बैठ गई, आका हसन की याद में रोने लगी। दिल में ख्याल आया, का कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? का आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज दिया था और कहा था इस तावीज को मेरे बेटे के गले में डाल देना, जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज खोल के पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और साहिब, अपनों को अपनी हर चीज याद दिलाया करती है, और वो तो निशानी थी हजरत हसन की। तावीज को देखा उम्मे फरवा को, आका हसन की याद आई, हिचकी भर के रोई, तावीज को चूमा और जब खोला अल्लाहु अकबर, तहरीर पड़ी, उठी आका हसन के शहजादे हजरत कासिम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आका हुसैन के पास आई है। कासिम कहते, माँ कहाँ लेके जा रही हो? का चल बेटे, इजाजत मिल गई है। का कैसी इजाजत? का चल तो सही। आई ने आने के बाद खत आका हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था करबला का, जैसी मेरे हुसैन ने खत को देखा है। देखने के बाद भाई की तहरीर देखी, आंखें बरसने लग जाती हैं। आज हसन की तहरीर ने हसन के जलवे दिखा दिए थे, आंखें बरसने लगी। उसमें लिखा हुआ था हुसैन करबला का मैदान होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तेरा अकबर भी शहीद हो चुका होगा, तू सबको इजाजत देगा लेकिन मेरे कासिम को मत छोड़ देना। मैं तो करबला में नहीं होगा लेकिन मैं ये चाहता कि मेरे शहजादों को भी तेरे कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। हुसैन, मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना ताकि करबला के मैदान में जब आके तुम कहोगे नाना मैंने अपना असगर दीन के लिए दिया, मैंने अकबर दीन के लिए दिया, ज़ैनब कहे कि मैंने उन्होंने मोहम्मद दीन के लिए दिए, उम्मे फरवा भी कह सके आका मैं भी पीछे न थी, मैंने अपना कासिम दीन के लिए दे दिया था, अपना अब्दुल्ला दीन के लिए दे दिया था, अपना अबू बकर दीन के लिए दिया था, अपना उमर दीन के लिए दिया था। हसन, जब सब पे एहसान करे तो इतना एहसान मुझ पे भी कर देना, मेरे कासिम को शहादत का दूल्हा बना के मैदान करबला पे भेजना। अल्लाह अकबर। उसके बाद इजाजत मिली, हजरत कासिम सवार हुए, चलने लगे ना। अब माँ की बात सुन लो, माँ को लाल बड़े प्यारे होते हैं और फिर बेवा माँ को शोहर की निशानी कितनी प्यारी होती है। माथे चूम चूम के सुलाती है माँ, रातों को उठ उठ के देखती है माँ यतीम बेटे को, मगर कुर्बान जाओ अली के घराने पर। तैयारी कर ली ना हजरत कासिम ने। उसके बाद माँ ने आवाज दी, कासिम जी अम्मी, का बेटे मेरे करीब आओ। माँ क्या बात है?
फरमाती बेटे मुझसे वादा कर। कहा माँ क्या? कहा तेरा नाम क्या रखा है मैंने? कहते माँ तूने मेरा नाम कासिम रखा है। क्या मतलब है कासिम का? माँ कासिम का माना आता है तकसीम करने वाला। बेटे आज माँ कुछ कहना चाहती है। कहा माँ कहो क्या कहना चाहती है? कहने लगी बेटे करबला के मैदान में जाना, पहली बात जब कोई पूछे तू है कौन, तो बेटे ये मत कहना मैं हुसैन का भतीजा हूं। माँ फिर क्या कहना? तो बेटे ये कहना मैं आका हुसैन का गुलाम हूं, हम उनके दर के नौकर हैं, वो हमारे आका हैं। अल्लाह को अकबर, ये माँ का सबक है। बेटे भतीजा मत कहना, उनका नौकर बताना। माँ दूसरी बात कहने लगी बेटे तेरा नाम कासिम है, या तो लश्कर को काट के आना है या फिर कट के आना। ये माँ का सबक है। माँ ने जब ये सबक पढ़ाया बेटा सवार हुआ, करबला के मैदान के लिए रुखसत हुए। माँ ने माथा चूमा, भेजा हजरत कासिम गए। सबसे पहले हजरत कासिम ने जाके कहा आओ हसन के बेटे का मुकाबला करो। जरा तवज्जो से सुनना, अगर किसी का उस्ताद काबिल होता है ना तो शागिर्द को उस्ताद पे नाज होता है। उम्र 18 साल से भी कम थी हजरत कासिम की, अभी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे, इतनी कम उम्र थी। अमर इब्न साद ने अरजक की तरफ देखा कि चल जा किस्सा निपटा के आ। वो फख्र से कहने लगा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं? मेरी पहलवानी के तो चर्चे हैं। ये कह के उसने कहा फिर कहा इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, वो गया हजरत कासिम के सामने जाके कहने लगा वो बच्चे तू जानता नहीं मेरा बाप अरजक है? आप मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा बाप अरजक है तो फिर मेरा बाप भी हसन है। कहने लगा मेरे बाप की शुजात के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और मेरा उस्ताद मेरा बाप है। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। कम नहीं है हम भी का मुकाबला कर, तलवार निकाल हमला कर। मुस्कुरा के कहने लगे हमने किसी पे हमला करना नहीं सीखा है, हम तो दिफा करते हैं, चल तू हमला कर। उसने तलवार संभाली, अरजक के बेटे ने 42 वार किए। कितने? लगातार 42 वार किए और हसन के शेर ने हर वार बचाया, ढाल पे संभाला। जब बार बार करते 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 थक गया, मुस्कुरा के कहने लगे तेरे वार पूरे हो गए, अब हसन के बेटे की बारी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए भाई। हाँ बोलते रहिए, अगर नजर लग गई तो फिर उतरेगी नहीं। अगर नजर का डर है तुम बंद कर लीजिए, और नहीं है तो जरा कह दें या हुसैन। 42 बार किए, फरमाने लगे अब मेरी बारी है। उसके बाद जब अली के शेर ने तलवार निकाली और पलट के पहला वार किया तो तलवार ने पहले ढाल काटी, ढाल काटी, फिर गर्दन के पास से तलवार पड़ी और काटते काटते बदन को पार करते हुए घोड़े की कमर में उतार दी। पहली तलवार में दो टुकड़े कर दिया, घोड़ा भी जमीन पे तक। आवाज दी नारे तकबीर, ये सदा बुलंद हुई है। अल्लाह अकबर, अरजक लाल पीला, दूसरा बेटा भेजा यही अंजाम, तीसरा बेटा भेजा यही अंजाम, चौथा बेटा भेजा वो भी काट दिया। अल्लाह अकबर, इधर कासिम की तलवार चल रही है, उधर गाजी टीले पे खड़े होके देख रहे थे। जब ये शजाअत देखी है ना कासिम की, तोड़ करके गए आका हुसैन का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहते हैं आका आइए तो सही, अपने कासिम की शुजात तो देखो, बहादुरी तो देखो, चार बहादुर काट दिए हैं और अभी तक कोई जख्म नहीं खाया है। आका हुसैन जब आए हैं टीले पर, सामने अरजक खड़ा था, गुस्से में लाल पीला था, कहने लगता है कासिम तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे बेटों को काट डाला, तेरी हिम्मत हो गई है, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी,
मुस्कुरा के कहते हैं आ तो सही मुकाबला कर, अगर चटी का दूध याद ना दिला तू फिर अली का शेर ना कह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, आ मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर अली का शेर ना कहना। तिल मिल आ गया, तेरी औकात क्या है? आप मुस्कुरा के कहने लगे गवार तुझे अभी तक घोड़े की जीन कसनी नहीं आई और बहादुरी की डींगे मारता है। उसने जब जीन की तरफ देखा अली का शेर झपटा ऐसा वार किया उसके भी दो टुकड़े हो गए। हजरत अब्बास ने नारा लगाया कहने लगे वाह कासिम वाह, शाबाश कासिम शाबाश। इधर तो अब्बास कह रहे थे शाबाश कासिम, इधर आका हुसैन ने आवाज दी कासिम ठहर जाओ, हम यहाँ पे गर्दने काटने नहीं आए बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने आए हैं। यहाँ शुजात दिखाने नहीं बल्कि सब्र दिखाने आए हैं। खबरदार अगर तुम्हारी तलवार चलती रही तो फिर खैरियत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ किसमें जुर्रत थी अली के शेरों का मुकाबला कर लेता। ओ खुदा की कसम अगर हुसैन इजाजत दे देते तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ। तनखा कासिम काफी था जो 22,000 को काटने के बाद तारीख जब लिखी जाती दुनिया कह देती कासिम वो है कि जिसने करबला के मैदान में 22,000 को काट के यजीद के महल पे हुसैनियत का परचम लहरा दिया था। लेकिन रोक दिया हुसैन ने कासिम नहीं, हम यहाँ दिफा करने आए हैं, लोगों का खून बहाने नहीं आए। तलवार रुक गई हजरत कासिम की और फिर उसके बाद जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। चले भुने बैठे थे, तीर लगे अली के शेर के। माँ ने सबक पढ़ाया था बेटे बदन पे कितने भी तीर लग जाएं जबान पे आह ना आ जाए, जबान पे आह ना आ जाए। जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा बदन जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर कहते हैं चचा मुझे संभालो, ये कह के जब जमीन की तरफ आने लगे हैं अल्लाह अकबर यजीदी झपटे। ताने घोड़े बाई जानी, बाए थोड़े घोड़े बाई जानी, चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा। हजरत कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए, अल्लाह अकबर मिट्टी में मिलाया गया उनके जिस्म को, कहीं पर उनका लाशा नजर नहीं आ रहा था। जब मेरे हुसैन आए हैं करबला के मैदान में आवाज देते हैं कासिम कासिम कासिम, कोई आवाज नहीं आती है। अल्लाह अकबर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरा कासिम कहाँ चला गया? वापस जाऊंगा, मुझसे इनकी माँ पूछेंगी कासिम कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर आपने निगाह आसमान की जानिब उठाई, आवाज आती है हुसैन परेशान ना हो, कान लगा के सुन, जहां जहां कुरान की आवाज आती हो होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े होंगे। मेरे हुसैन ने अपनी चादर बिछाई है, जो मुस्तफा की चादर आपके कांधे पे थी, जमीन पे चादर बिछाई है, कान लगा के सुना है, कहीं से सूरे यासीन की आवाज आ रही है, कहीं से सूरे रहमान की आवाज आ रही है, कहीं से सूरे वाकया की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आयतों की आवाजें आ रही हैं। जहां आवाज आती थी हाथ डालते थे, जिस्म का कोई टुकड़ा मिल जाता था, आपने एक एक करके टुकड़ा चुना, चुनने के बाद अपने चादर में रखा है। और यार कभी देखा होगा रोडों पे हादसे होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद लाशें बिखर जाती हैं तो लोग उनसे चेहरे मोड़ के चले जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है, अपनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें देखने की। अल्लाह अकबर कह दिया जाता है माओ को दूर रखो, बहन को भाई के लाशे से दूर रखो, बाप को दिखा मत देना कलेजा फट जाएगा। यह हालात हादसों की होती है। फिर हुसैन की तो आखिरी हसन की निशानी है, जिस्म के करबला में टुकड़े हो गए हैं। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत सुनते जा रहे हैं, बदन के टुकड़े चुनते जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लिए जिस्म के सारे टुकड़े, आपने कटरी नुमा चादर को पकड़ा, कमर पे डाला है, अल्लाह अकबर लेकर के खेमे की तरफ आए हैं। हर लाश आपने हर आने वाले शहीद को उसके खेमे तक पहुँचाया है, लेकिन जब कासिम को लाए हैं तो अब ये हिम्मत नहीं थी कि उम्मे फरबा के खेमे तक पहुँचा दिया जाए।
हिम्मत ना थी कि उम्मे फरबा को बताया जाए तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, बल्कि आप हजरत कासिम के जिस्म को जो कटरी में बांध के लाए थे अपने खेमे के अंदर ला के अपने आगे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अभी बैठे थे कि हजरत सकीना आ जाती हैं, आके कहती हैं बाबा हर शहीद तो करबला के मैदान से वापस आ गया है, फिर मेरा भाई कासिम क्यों नहीं आया है? कहा आप कासिम को नहीं लेके आए हैं, मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। उसके बाद फरमाते हैं बेटी जाओ अपनी बड़ी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे जाके कह दो बाबा बुला रहे हैं। हिम्मत न थी कि उनके खेमे तक पहुँचाया जाए हजरत कासिम के जिस्म को। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे फरबा आई हैं, आने के बाद बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर, जैसी आके बैठी ना तो हजरत हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरबा क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा कासिम कहाँ है? आपने कटरी की तरफ इशारा करके फरमाया मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कासिम ये है। आपने फरमाया उम्मे फरबा तुम्हें कैसे पता चला ये कासिम है? आपने जैसी इतना सुना है आपकी आंखें बरसी, आप रो के कहती हैं हुसैन माएँ तो बेटों को खुशबू से पहचान लिया करती हैं, माएँ लाल को खुशबू से पहचान लेती है, खुशबू बता रखी है मेरा कासिम इसी गठरी में मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब हाथ बढ़ाने लगी है और उसके बाद गठरी खोली है, तलाश कर रही है, कहीं बाजू नजर नहीं आ रहा है, कहीं चेहरा नजर नहीं आ रहा है, आपने गठरी को बोसा दिया है। अल मुख्तसर ये है कि शहादतें होती रही, आखिर में मेरा हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ चलने लगा आप अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं, आप कुछ याद करके रोने लगे, जैसी कुछ याद करके रोए हैं। अल्लाह अकबर, एक खातून आगे बढ़ी हैं, पढ़ने के बाद कहती हुसैन क्यों रो रहे हैं? आका हुसैन कहते हैं कि जब कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए माँ ने तैयारी कराई है, ओनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई है, हुसैन जा रहा है लेकिन तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश मेरी माँ फातिमा होती आज हुसैन को तैयारी करा देती। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, अपने भाई हुसैन को तैयारी कराई है। जब तैयारी के बाद जाने लगे हैं हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आपने बहन की कलाइयों को बोसा दिया है, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, आपने भाई के गले को बोसा दिया है। आका हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज आपने खिलाफ दस्तूर हमारे गले को बोसा दिया है, आज तक तो कभी गला नहीं चूमा। आप कहती हैं भाई जान आपने भी तो आज तक ज़ैनब की कलाई नहीं चूमी है, फिर आज किस लिए कलाई चूमी है? जब इतना सुनते हैं आप फरमाती हैं भाई हसन भाई हुसैन आप बताइए आपने ज़ैनब की कलाई क्यों चूमी है? फरमाते हैं ज़ैनब मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएंगी, कल इन कलाइयों को चूमने के लिए हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए आज पहले पहले चूम रहा हूँ। इस कलाई पर मुस्तफ़ा के दीन के लिए निशान पड़ेंगे रस्सियों के, आज मैं ज़ैनब की कलाई चूम रहा हूँ, मगर तुम भी तो बताओ तुमने हुसैन का गला और सीना क्यों चूमा है? कहती हुसैन कल जब तुम्हारा लाशा पड़ा होगा उस वक्त में इनके घोड़े तोड़ेंगे, उस वक्त ज़ैनब कैद कर ली जाएगी, इसलिए पहले पहले हुसैन आपके सीने को चूम रही हूँ। ये कह करके आपने आका हुसैन को रुखसत किया है। मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, आपने मुर्तजिस को 11 मर्तबा कहा चल, लेकिन घोड़ा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है। जब घोड़ा अपनी जगह पर रुका रहा आपने अब जरा तवज्जो कीजिए, आपने अपने घोड़े से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने घोड़े ने क्यों गर्दन उठाई, हुसैन के खेमे की तरफ देखा और देख के ज़बान हाल से कहता है हुसैन मैं हुसैनी हूँ यजीदी तो नहीं हूँ, देख तो सही खेमे की तरफ। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना खेमे के सामने खड़ी है और इशारा करके कहती हैं बाबा जरा एक बार आ जाइए मुझे कुछ बात करनी है। आका हुसैन ने इतना सुना और देखने के बाद वापस पलटे, हजरत सकीना के पास आए, बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर, आज बंदा परदेश जाया करता है, अपनी बच्ची को 1000 तसल्ली दे के जाता है, कितने बहाने बना के जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे फिर भी सामने आ जाते हैं तो आंसू निकल आया करते हैं। अगर बहनें भाइयों के रस्ते में आ जाती हैं भाई हमें छोड़ के ना जाइए, कब आओगे? तो बहनें तड़प जाया करती हैं, ओ यार तू तो आने के लिए जा रहा है तब तेरे बच्चों का ये हाल है, मगर हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन हमेशा के लिए जा रहे थे। बेटी ने यूं बाजू फैलाए, बाबा एक बार जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने घोड़े को बढ़ाया है, पहुंचे हैं खेमे के पास, सकीना ने इशारा किया बाबा जरा नीचे आइए। आपके दिल में ख्याल आया
हुसैन आज जा रहे हो, आज के बाद ये सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आज सकीना की आखिरी मुलाकात है, आज सकीना से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बेटी को सीने से भी लगाऊंगा, बेटी के लबो रुखसार को बोसे दूंगा, इसकी पेशानी चूमूंगा, क्या क्या हसरत न थी हुसैन के सीने में। लेकिन जब सवारी से उतर के आए हैं साकिब, बेटी की तरफ बाजू फैलाए हैं, बेटी भी हुसैन की बेटी थी, कहती बाबा तकलीफ ना करें, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, अब बेटी को उठाने का बोझ का बर्दाश्त करने की जरूरत ना करें, बाबा इतना कीजिए, ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाता है। बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे माथा चूमना है, मुझे मालूम है आज कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, आज मैं चाहती हूँ मैं खुद से तुम्हें प्यार करूं। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश हैं, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश हैं, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश हैं, हुसैन के लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे, लेकिन जब सीने को चूमा है सकीना ने, अब हुसैन खामोश ना रह सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, किस लिए इतना प्यार कर रही हो? अल्लाह अकबर, बेटी कहती है बाबा मैंने जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं किया, बल्कि आपके माथे को चूमा ये नाना मुस्तफा का बोसा था, आपके ताने रुखसार को चूमा ये बाबा अली का बोसा था, आपके पाए रुखसार को चूमा ये फातिमा का बोसा था, आपके लबों को चूमा ये हसन का बोसा था, आपके गले को चूमा ये मेरा बोसा था। आका हसन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा? कहती बाबा पूछिए ना, बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सही सीना किस लिए चूमा? कहती बाबा ये सीना मैंने तेरी वो बेटी जो मदीने में रह गई थी उसी सोहरा के बदले में चूमा है। कहते बेटी उसकी याद कैसे आई? कहती बाबा जब आप रात को अकबर भाई से बातें कर रहे थे थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में बहन सोहरा आई थी, उसने कहा था सकीना मैं मदीने रह गई थी तू करबला रह जाएगी, लेकिन याद रख जब शाम को आखिर में बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपने सोहरा को मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार कर देना। अल्लाह अकबर, इतनी बात हजरत सकीना ने कही है, मेरे हुसैन की चीख निकली, बेटी को प्यार किया है सीने से लगाया। कहते बेटी कहती बाबा जा तो रहे हो कोई वसीयत करके चले जाओ, जब वसीयत की बारी आई है तब मेरे हुसैन ने कहा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बेटी अगर मुसीबतें आ जाएं आगो बवेला नहीं करना है, चीखो पुकार नहीं करना है, कपड़े नहीं नोचने है, सबका दामन नहीं छोड़ना है, ए बेटी हमेशा रब की रजा पे राजी रहना है। उसके बाद कहा ज़ैनब जरा करीब आ जाओ। हजरत ज़ैनब करीब आई है, भाई क्या बात है? आपने हजरत सकीना को उठाया। कहा ज़ैनब ये मेरे गले का तावीज़ है, आज तक ये मेरे बगैर नहीं सो पाई है, आज की शाम सकीना की जिंदगी की ऐसी शाम होगी पहली जो बाप के बगैर गुजरेगी। ए मेरी ज़ैनब मेरी सकीना को रोने मत देना, इसे मेरी याद आए तो तसल्ली दे देना। अल्लाह अकबर, बड़ा दर्द होता है उन आवाजों में जो यतीमों की आवाजें बाप की जुदाई में निकला करती हैं, जब यतीम किसी को याद करके रोते हैं। कहा ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना। उसके बाद मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, जब चलने लगे हैं अल्लाह अकबर चले ना घोड़े पे बैठ करके, आपने खेमे से बाहर कदम निकाला है, हद पार की है, याद आई हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख ले। अल्लाह अकबर, ये सोचा सवारी रुक गई, मुड़ के मदीना देखा, नाना के शहर की याद आई, सुगरा की याद आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई है, जब गुबार उड़ता नजर आया है आपका सवारी ठहर गई, आपने देखा कोई आ रहा है, ख्याल आया कहीं आने वाला हमारे मदीने से तो नहीं आ रहा है, साहिब अगर कोई परदेश में होता है तो उसे अपने देश के लोग प्यारे लगते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी भी प्यारी लगती है, हमारे जवान कितने सऊदी जाते हैं, अगर हिंदुस्तान का कोई मिल जाए ऐसा लगता है सगा भाई मिल गया है, अगर कोई दूसरे जिले में हो अपने जिले का मिल जाए तब भी सगा लगता है, अगर अपने जिले के अंदर अपने गांव का मिल जाए तो हमदर्दियां बेदार हो जाती हैं। मेरे हुसैन को रह रहे के मदीना याद आ रहा है, जब गुबार उड़ता नजर आया कोई सवार दिखाई दिया, ख्याल आया शायद ये मुस्तफा के मदीने से आ रहा होगा। अल्लाह अकबर, दिल थाम के सुनना जरा प्यारे, जब सवार करीब आया है, मेरे हुसैन के करीब सवार आया, आने के बाद डायरेक्ट वो हुसैन के खेमों की तरफ गया, अहले बैत के खेमों में गया, लेकिन खेमों में
में कोई ना मिला। उसके बाद मकतल की तरफ गया जहां पे लाशें रखी हुई थी। सब में कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। हुसैन फरमाते हैं वो आने वाले परदेसी कौन है, कहां से आया है? आने वाले ने कहा मैं मदीने से आया हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा हुसैन से मिलना है। काम क्या है? कहा उनकी बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा दिखा क्या पैगाम है? जब इतनी बात कही ना क्या पैगाम है? मुसाफिर ने यूं देखा, देख के कहता है बाप का बाप को बेटियों का पैगाम दिया जाता है, हर किसी को बेटी का पैगाम नहीं दिया जाता, मुझे हुसैन की तलाश है। आप फरमाते मैं ही हुसैन हूँ। जैसे इतना आपने फरमाया, कहता लगता तो नहीं आप हुसैन हैं। कहा किस लिए? कहा कि मैं जिस बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ उसने अपने बाप की तीन निशानियां बताई थी और तीनों निशानी आपके अंदर लगी है। मेरे हुसैन फरमाते हैं बता तो सही कौन सी निशानी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने उसके पास दो गठरियां थी, एक छोटी गठरी थी एक बड़ी गठरी थी। उसने दोनों गठरियां रखी। उसके बाद अपनी जेब से पर्चा निकाला। निकालने के बाद वो कहता है उस बाप की बेटी ने इसके अंदर अपने बाप की निशानियां रखी हैं। आप फरमाते बता तो सही तू कहां का रहने वाला है, यहां कैसे आया? वो कहता हुजूर मैं बहुत दूर का रहने वाला हूं, मैं मदीना शरीफ से काफी दूर रहता हूं। मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई, मैं और मेरी बीवी मुस्तफा के मजार पे हाजिरी देने आए थे। हमने वहां बैठ करके एक पर्दे वाली बेटी को बड़े दर्द के साथ रोते देखा। मैंने अपनी बीवी को भेजा और कहा जाओ इस खातून से पूछो इसकी रोने की वजह क्या है या क्यों रो रही है। कहा जब मेरी खातून गई तो उसने जाकर के देखा आपकी बेटी रो के कह रही थी बाबा आज कई दिन हो गए हैं, महीने गुजर गए हैं, 27 रजब को गए थे, मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख आ गई है, बाबा तुम नहीं आए हो। वो कह रही थी नाना बाबा की बड़ी याद आती है, कभी मुस्तफा की जाली पकड़ के कहती थी नाना मुझे असकर की याद रुलाया करती है, कभी आपकी बेटी कहती थी नाना कोई ऐसा जतन बता दो कि मेरे बाप मुझे लेने आ जाए या ऐसा कर्म कर दो जो मैं अपने बाप के पास चली जाऊं। कहते हुसैन उस शहजादी का दर्द मुझसे न देखा गया, बर्दाश्त न हुआ। मैंने बीवी को भेजा और भेजने के बाद कहा था जाओ इससे पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो हम इसके कोई काम आ जाए। कब मेरी बीवी ने जा करके जब बच्ची से पूछा बता किसका दर्द है, उसने आपका नाम लिया। मैंने उससे कहा कि जाओ इनसे जाके कह दो अगर ये कहें तो हम इनको साथ लेकर के इनके बाबा तक पहुंचा देंगे। कहा लेकिन आपकी बेटी ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खत भेजा है, कुछ सामान भेजा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप फरमाते हैं कि तू मेरी बेटी का कासिद है। कहा हाँ। कब वो निशानी बता जो मेरी बेटी ने बताई है? साहिब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। हजरत सकीना के खत के अंदर सबसे पहले आने वाले ने छोटा सा पर्चा निकाला, जिस चीज पे लिखी थी निशानियां उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था वो जाने वाले मेरे बाप की सबसे पहली निशानी ये है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी। वो कहता हुसैन आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, काली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप हुसैन हैं। आपने हाथ पकड़ा आने वाले का, वहां लाए जहां अकबर की लाश रखी हुई थी। कहते इसे पहचानता है कौन है? कहा मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो। फरमाते ये मेरा 18 साल का अकबर है। कहा जब ये करबला के मैदान में गया था मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैंने इसके जिगर से पर्ची निकाली थी सारे बाल सफेद हो गए थे। कहा इसके गम में बाल सफेद हुए हैं। कहा दूसरी निशानी बता दे। अल्लाह अकबर। जब दूसरी निशानी की बात आई है वो कहता है कि आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होंगे। कहा हुसैन आपकी बेटी ने आपके कपड़ों को सफेद बताया है, लेकिन आपके कपड़े तो सफेद नहीं है। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, जैमा के बच्चे की कब्र की तरफ इशारा किया। जानता है ये क्या है? कासिद कहता मुझे तो नहीं मालूम। फरमाते ये छह माह के असगर की कब्र है, मैं पानी पिलाने के लिए यजीदियों की तरफ लेके गया था, एक घूट पानी की बजाय इन जालिमों ने मेरे छह माह के असगर के तीर मारा। जब तीर लगा गर्दन के पार हुआ मेरे शहजादे का खून बहा। कासिद आने वाले रागिया ओ मेहमान व अजनबी मुसाफिर, मैंने बच्चे का खून था मेरे लख्त जिगर का खून था, उसका खून था जो मेरे सीने से लग के सोया करता था, उसका खून था जिसकी शाम हुसैन की कुर्बत में होती थी, जिसे देख के हुसैन की सुबह होती।
होती थी, कैसे गिरने देता बेटे का खून जमीन पर। जैसे तीर निकाला मैंने खून हाथों में लिया, आने वाले मुसाफिर जब खून हाथों में लिया आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कह दिया ना हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना, अगर ये खून मेरी तरफ आया तो कयामत तक बारिश नहीं करेंगे। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा हुसैन ये असगर का खून है मेरे ऊपर मत डाल देना, अगर ये मेरे ऊपर आ गया तो कयामत तक सब्जा नहीं उगने दूंगी। कहते जब सब ने इनकार कर दिया असगर का खून था कहां डालता, मैंने अपने कपड़ों पे मल लिया था, मेरे कपड़ों का रंग असगर की वजह से बदल गया है। का रागिया तीसरी निशानी बता दे, जब तीसरी निशानी की बात आई है का आपकी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो ऐसा लगता है कि हुसैन के वजूद में अली की चाल आ गई हो। अल्लाह अकबर, का हुसैन जरा चल के दिखा, मेरे हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, डगमगाए गिरने वाले थे, मुसाफिर ने बढ़ के हाथ पकड़ा, कहने लगा ये निशानी आपसे नहीं मिलती है, आपकी बेटी ने तो कहा था मेरे बाप चलते हैं तो शेरे खुदा लगते हैं लेकिन आप तो कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर, उसके बाद आपने हाथ पकड़ा वहां लाए जहां गाजी अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था, का जानता है ये कौन है, का मुझे नहीं मालूम, फरमाया ये मेरे गाजी अब्बास का लाशा है। ताकत उस दिन खत्म हो गई थी, उस वक्त हुसैन की कमर टूट गई जब मेरे गाजी के बाजू कटे थे, तब मेरी ताकत खत्म हो गई। फरमाते हैं ये सारी चीजें इन लोगों की वजह से बदली है, अब पता क्या लाया है। जैसे उसने इतना सुना पहली गठरी खोली है, अल्लाह अकबर, जब उसके अंदर से कपड़े निकाले हैं, सबसे पहला कपड़ा हजरत अली असगर का जुब्बा निकला है और उस पे लिखा हुआ था हाथ ही लिबास अली असगर, ये अली असगर का लिबास है। उसके साथ एक पर्चा भी था का बाबा अब तो मेरा असगर बड़ा हो गया होगा, ये उसके कपड़े पहना देना। बड़ी याद आती है बाबा जब बहने अपने भाइयों से प्यार करती है, मुझे असगर की याद आया करती है, जब कोई अपने भाइयों को गोद में लेकर के दरवाजे से गुजरती है तब मुझे असगर बड़ा याद आता है, बाबा मेरी तरफ से असगर को प्यार कर लेना। मेरे हुसैन ने खत पढ़ा है, तीन मर्तबा उठे हैं बैठे हैं, कहते हैं और क्या लेकर के आया है। दूसरी गठरी कासिद ने खोली है, जैसी गठरी खोली है उसमें एक अमामा निकला है, उसमें एक जोड़ी कपड़े निकले हैं, कहते उसमें लिखा था हाथ ही अमामतुल अली अकबर, बाबा ये अकली अकबर का अमामा है, ये अपनी तरफ से भेज रही हूँ। बाबा पता नहीं वहां किस हाल में हो गए, अब सुगरा आए के ना आए लेकिन तमन्ना है कि जब अकबर दूल्हा बने तो मेरा अमामा इसके सर पे पहना दिया जाए। ये सुना था मेरे हुसैन ने, आप कांप जाते हैं, आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने वो सारा खत लिया है और लेने के बाद वो कपड़े लिए हैं, हजरत अली अकबर के पास आए और यूं आप आकर के पंजों के बल बैठे, कहते अकबर तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, सुगरा का मदीने से पैगाम आया है, तीन मर्तबा अली अकबर की लाश उठी है। कहते बाबा आंसू ना बगा, इजाजत दे के देख अभी उठ के करबला से अकबर मदीने जाएगा, तेरी सुगरा को लेकर के यहाँ तक आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने खबरिया शरीफ। साहिब अल्लाह सलामत रखे, मैं देख रहा हूँ कुछ आंखें याद हुसैन में गुसल कर रही है। हसनैन करीमैन दोनों से रिवायत है, फरमाते अगर किसी की आंख से आंसू का एक कतरा हमारी मोहब्बत में निकल गया, कहते हैं हमें हमारे पैदा करने वाले की कसम है हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल नहीं करवा देंगे। तुम्हारे आंसुओं पे हजारों खिताबतें कुर्बान जाए, अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल करे, हमारा आना कबूल करे। और साहिब ये तारीख करबला है, इतनी कुर्बानियों के बाद मुसाफिर कहने लगा हुसैन फिर तो मुझे भी इजाजत दें, मैं भी आपके कदमों पे सर कटाना चाहता हूँ। हुसैन ने फरमाया अगर तू भी यहाँ शहीद हो गया फिर मेरी सुगरा को मेरा पैगाम कौन देगा। आपने फरमाया जाओ मेरी सुगरा से मुलाकात हो तो कह देना बेटी अब नाना जान की जलवतों में हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी, उससे जाके कहना बेटी तेरा प्यार अपनी जगह है, नाना का दीन अपनी जगह है। मेरी बेटी से जाके कह देना तेरा अकबर मुझे इतना प्यारा था
अगर पूरी दुनिया के बदले में अगर कोई अकबर का इकबाल मांगता तो मैं अपने अकबर का इकबाल भी नहीं दे सकता था दुनिया के बदले में। लेकिन बात नाना के दीन की आ गई थी, मैंने अकबर भी नाना के दीन पे लुटा दिया, असगर भी नाना के दीन पे लुटा दिया। उसके बाद मेरा हुसैन करबला के मैदान में सवार होकर के गए, मुसाफिर तो वापस आ गया, हुसैन करबला के मैदान में गए और जाने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आखिरी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया था, यजीदियो मुझे जानते हो मैं कौन हूं? सब पे सन्नाटा है। फरमाते हैं मैं वो हूं जो मुस्तफा के कांधे पे सवारी करता रहा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर थक गए हो तो खत्म कर लो, अगर नहीं थके तो फिर बोलो ना यार या रसूल अल्लाह। जो बातें इरशाद फरमाई जरा तवज्जो करें, मैं वो हूं जो नाना के कांधे पे सवारी करता रहा। फरमाया लोगों तुम्हारे कपड़े दर्जी लाता है, मेरे कपड़े तो जिब्रील अमीन लाया करते थे। आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी इमाम ने पढ़ी, किसी के बाप ने पढ़ी, किसी के दादा ने पढ़ी, लेकिन मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। चौथी बात आपने फरमाई लोगों, मैं वो हूं जिसने हुर को जन्नत दे दी है, जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। इतनी बात कही है कि यजीदी भौंकने लगा, कहने लगा हुसैन झूठ बोल रहे हो, हुर कैसे जन्नती हो गया? खेमे हुर ने लगवाए, पानी हुर ने बंद किया, हुर ने तुम्हें करबला में रुकने पे मजबूर किया, सुबह तक वो हमारे साथ रहा, सुबह को तुम्हारी तरफ चला गया, तो वो जन्नती कैसे हो सकता है? इतनी बात कही मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, फरमाया हुर बता क्या ये सच कह रहा है? इतना जब कहा ना, सात मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई यजीदियों तुम झूठे हो, मेरे मुस्तफा का हुसैन सच्चा है। मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, ये है अल्लाह अकबर मेरे हुसैन की अता। फिर उसके बाद यजीदियों ने इमाम का मुकाबला किया, तलवारें चली, 71 यजीदियों को फना फिन्नार किया मेरे हुसैन ने। तीन दिन की प्यास में प्लानिंग हुई, इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, इनके पीछे खड़े होकर के अजान पढ़ दो, तलवार खुद रोक लेंगे। एक यजीदी ने धोखा देने के लिए अजान पढ़ी, अजान शुरू हुई, हुसैन ने ये ना देखा कौन है, तलवार रुक गई, तलवार रुकी, मौका मिल गया, तलवारों की बारिश, तीरों की बारिश, हुसैन जख्मी होकर जमीन पर आए। यजीद ने पूछा था, इब्ने ज़ियाद ने पूछा था अम्र इब्ने साद से, क्या बता करबला में तुझे किसी पे तरस आया कि नहीं? वो कहता हाँ। कहा किस पे? कहा एक बार मुझे हुसैन इब्ने अली पर बड़ा तरस आया। कहा कब? कहता जब वो घोड़े से जमीन पे आए, जमीन पे बैठे, उनके 7 साल की बेटी सकीना सर पे चादर डाल के दौड़े आई और बाप के गले में हाथ डाल दिए। वो अपने बाप के जख्मों को साफ कर रही थी। का उसके बाद हुसैन ने जैनब को आवाज दी, जैनब आई सैयदा जैनब। मेरे हुसैन ने आवाज दी, जालिमो चेहरा फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहते हमने चेहरा तो फेर लिया, लेकिन मुड़ मुड़ के मैं एक आंख से देखता रहा। कहता है वो मंजर बड़ा अजीब था, जब हुसैन अपनी बेटी को अपने आप से जुदा कर रहे थे, एक हाथ छुटाते थे, दूसरा गले में डाल लेती थी,
इसको छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी। कहता इतना अजीब मंजर था कि उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए, मुझे भी उस वक्त रहम आ गया था उनकी बेटी पर। अल्लाह अकबर, फिर वो मंजर आया, हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला, मेरे हुसैन ने बेटी को समझा करके सैयदा सैनब के हवाले किया, फरमाया यजीदियों ये वक्त नमाज का है, कम से कम हुसैन को एक सजदा तो कर लेने दो। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, अभी पहला सजदा किया था कि उसी बीच में 10 यजीदी आए, जैसी सजदे से सर उठाया हिम्मत ना हो सकी वापस चले गए। फिर आखिर में शिमर लईन आया, मेरे हुसैन ने दूसरा सजदा किया, उसने आके गर्दन पे खंजर रखा। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था जिसको शहादत के वक्त में बेटी भी देख रही थी, हजरत ज़ैनब भी देख रही थी। गर्दन पे खंजर चला, हुसैन ने जमीन को हुक्म दिया का नीची हो जा, कहीं ज़ैनब की नजर न पड़ जाए, इसलिए कि बहनें भाइयों को कटता हुआ नहीं देख सकती हैं। हुक्म देने की देर थी, जमीन नीचे चली गई। ज़ैनब ने जब देखा कि कहीं हुसैन नजर नहीं आ रहे, आपने ठोकर मारी, फरमाया जमीन ऊंची हो जा, मुझे भाई की मेराज देखनी है। जमीन ऊंची हो गई, अल्लाह अकबर, कहती आओ मेरे भाई की मेराज देख लो। आका हुसैन के गले पे खंजर आया है, जब गले पे खंजर आया गला कटने लगा। अल्लाह अकबर, मेरा हुसैन कहता है या अल्लाह, मैंने अकबर तुझे दिया है, मैंने असगर तुझे दिया है, मैंने ओ मोहम्मद तेरी रजा के लिए दिए हैं। या अल्लाह, हुसैन तो तेरी रजा पे राजी है, तू भी बता दे तू हुसैन से राजी है कि नहीं। जब इतनी बात हुसैन ने कही है, आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिक राजियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। साहिब शहादत हुसैन के बाद तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है, लेकिन मसाइब मुकम्मल नहीं हुए, जुल्म ज्यादतियां मुकम्मल नहीं हुई। जो दर्द शहादत हुसैन के बाद खानदान वालों ने देखे, वो हुसैन की शहादत तक भी नहीं देखे थे। ये दर्द करबला है, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी तो बादे करबला जो जुल्म अहले बैत थार पे हुए, फिर ये काफिला कैसे चला, कहां कहां गया और कैसे कैसे फिर मदीने पहुंचा, इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू आइंदा कभी जिंदगी में होगी।